हमारे क्रिएट कैंपेन सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। टाइप्स ऑफ कैंपेन्स, अपने लिए सही कैंपेन को चुनें। शुरू करें इससे पहले, क्या आपने अभी तक स्टार्टअप किट वीडियो देखा है? अपने डैशबोर्ड पर सेलर लर्निंग सेंटर पर इसे देखें और हर बार एक सफल कैंपेन कैसे बनाया जा सकता है इसके बेसिक्स देखें। आइए अब विभिन्न प्रकार के कैंपेन्स के बारे में जानते हैं। आप दो तरह के कैंपेन बना सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक यानी CPC कैंपेन या स्मार्ट ROI कैंपेन। कैंपेन टाइप चुनते वक्त आपको अपने एंड गोल के बारे में क्लियर होना चाहिए। यदि आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए हायर विजिबिलिटी चाहते हैं तो CPC कैंपेन आपके लिए सही विकल्प है। हालांकि यदि आपके पास अपनी लिस्टिंग के लिए एक विशिष्ट ROI है तो स्मार्ट ROI आपके कैंपेन बनाने के लिए एक सही टूल है। आइए अब CPC कैंपेन के बारे में समझते हैं। एड ग्रुप की सही बिट तय करने का विकल्प CPC कैंपेन आपको देता है, जिससे उच्च विजिबिलिटी मिलती है और वो आपको कॉम्पिटिटिव बनाए रखती है। आपने स्टार्टअप किट वीडियो में सीखा होगा कि अपने कैंपेन में लिस्टिंग्स कैसे ऐड करते हैं। आइए अब CPC कैंपेन्स के लिए बजट और ड्यूरेशन कैसे निर्धारित किया जाता है ये देखते हैं। सबसे पहले कैंपेन टाइप में CPC चुनें, कैंपेन स्टार्ट डेट चुनें। हम आपको बजट समाप्त होने तक कैंपेन चलाने के लिए सलाह देते हैं। हालांकि आप एंड डेट भी डाल सकते हैं। एक बार बजट खत्म होने के बाद आप बजट ऐड कर सकते हैं और कैंपेन अपने आप फिर से लाइव हो जाएगा। इसके बाद अपना कैंपेन बजट ऐड करें। हम प्रति लिस्टिंग 250 रुपीज के मिनिमम बजट की सलाह देते हैं। आपका बजट एड ग्रुप्स में बांटा जाएगा। आप इंडिविजुअल एड ग्रुप्स के लिए जरूरत के अनुसार बजट लिमिट ऐड कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ये स्टेप ऑप्शनल है। आपको किसी विशेष एड ग्रुप लेवल को लिमिट करना है तो ही इसका उपयोग करें। यदि आप बजट लिमिट ऐड करना चाहते हैं तो कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक एड ग्रुप के बजट लिमिट राशि हमेशा कैंपेन बजट से अधिक या बराबर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए का बजट है और आपके पास दो एड ग्रुप हैं, तो आपके बजट लिमिट का योग 5,000 से कम नहीं हो सकता है। हालांकि एक व्यक्तिगत एड ग्रुप का बजट कैप कैंपेन की बजट राशि से अधिक नहीं हो सकता। हालांकि जैसे पहले कहा गया था कि हम आपको बजट लिमिट ऐड नहीं करने की सलाह देते हैं। कैंपेन पूरा होने तक आप किसी भी वक्त कैंपेन बजट और कैंपेन ऐड लिमिट को एडिट कर सकते हैं। CPC कैंपेन का अगला सबसे महत्वपूर्ण पहलू है CPC बिड। आप श्रेष्ठ परिणामों के लिए बॉक्स के नीचे बताए गए सजेस्टेड विनिंग बिड रेंज के भीतर से एक बिड चुन सकते हैं। जितनी ज्यादा बिड उतना ही आपका एड टॉप स्लॉट पर दिखने के ज्यादा चांस हैं। डिफॉल्ट रूप से बॉक्स बेस बिड राशि प्रदर्शित करता है। आप CPC को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन बेस बिड से नीचे नहीं। आप सर्च कीवर्ड्स को हटा सकते हैं जिनके लिए आप अपनी एड नहीं दिखाना चाहते हो। कीवर्ड्स को सिर्फ कॉमा लगाकर अलग कीजिए और उन्हें समझदारी से चुने, क्योंकि वो आपके एड की विजिबिलिटी को प्रभावित करता है। आप जितने चाहिए उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। CPC कैंपेन बनाने के फायदे हैं कि आपको अपने एड ग्रुप्स के लिए CPC बिट चुनने का पूरा नियंत्रण मिलता है। आपके प्रोडक्ट्स अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं और अधिक विजिबिलिटी का फायदा पा सकते हैं, और यह आपको कॉम्पिटिटिव बने रहने में मदद करता है। CPC कैंपेन बनाते समय यह ध्यान रखें कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और न्यू अराइवल लिस्टिंग के लिए अलग कैंपेन बनाएं और अपने कैंपेन के लिए सही CPC बिड चुनें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, CPC जितना अधिक होगा विजिबिलिटी भी उतना ही अधिक होगी। अब जब आप जानते हैं कि अपना CPC कैंपेन कैसे बनाएं, तो अपने डैशबोर्ड पर जाएं और अपना नया CPC कैंपेन अभी बनाएं।